वही कह रहा हूँ कि हिंदी जो होगी वो थोड़ी हिंदुस्तानी टाइप होगी, क्योंकि हिंदुस्तान ही आजकल गुम हो रहा है। तो मैं दो चार बातें जो कहूंगा, हिंदुस्तान को तो गुम हो जाना चाहिए, भारत को जिंदा हो जाना चाहिए। भारत मतलब एक ही, मैं सतारा के स्कूल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बहुत कम लोगों को पता है कि वो मैथमेटिक्स में बहुत शार्प, बहुत शार्प। पीछे क्लास में थे, पीछे ही रहना था उनको, जो हिरार्की तब थी वो कमोबेश आज भी है। तो टीचर ने बुलाया कि भीम आओ इस सवाल को सॉल्व करो ब्लैक बोर्ड पे। तो पीछे से जो ही चलने को शुरू हुए तो जितने अपर कास्ट के बच्चे थे वो भागते हुए पहले आए ब्लैक बोर्ड के पास, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके टिफिन बॉक्सेस थे और उनको लगा अगर भीम ब्लैक बोर्ड पे वो सवाल हल करेगा तो टिफिन बॉक्स उनके पोल्यूट हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। घटना उतनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन जब कोलंबिया में वो अपने मेमोयर में कहीं जिक्र करते हैं कि कहे कि टिफिन की जो वो निकालने की खनक थी ना, क्रैकलिंग साउंड, वो उनके जहन से कभी गई नहीं। आप कहेंगे मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? ये कहानी आज इसलिए मैंने सुनाई है ना कि अब बस टिफिन बॉक्सेस के बदले कुछ और हो रहा है, लेकिन हो वही रहा है। कई लोग कहेंगे कि आर्टिकल 17 आ गया और सब कुछ खत्म हो गया। ये जो नॉन फाउंड सूटेबल विश्वविद्यालयों में चलता है ना NFS, वो टिफिन बॉक्स का नया संस्करण है और वो डिनायल होता है। मैं इस कहानी से शुरुआत करने के पीछे मेरी मंशा स्पष्ट थी कि सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हमारा डिनायल कहां कहां हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है। अगर आप वजह नहीं जानेंगे तो ये पॉलिटिकल और कल्चरल लड़ाई है। कल्चरल और पॉलिटिकल मैं दोनों कहता हूं इसलिए क्योंकि कल्चरली भी आपको लड़ना है। कल्चरली नहीं लड़ेंगे तो जो हेजमनिक कंट्रोल है कल्चर का, प्रभुत्वशाली प्रभुत्ववादी नियंत्रण की जो पद्धति है, धीरे धीरे हम उसको नेचुरल मानते चले जाएंगे और वो हो रहा है। छोटी बात मैं कहता हूं, फिर कुछ इस पर चर्चा होगी। बुद्धिज्म का जन्म इसी पृथ्वी पे हुआ था ना, 6th century BC। आज उसका प्रसार कहां है हमारे देश में? क्या यह सवाल हमको परेशान नहीं करना चाहिए? अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन यह सवाल सांस्कृतिक सवाल है, राजनीतिक विरासत का सवाल है, ऐतिहासिक स्मृति का सवाल है। कई लोग कहते हैं कि फलानी मस्जिद फलाना मंदिर सारे बौद्ध स्तूप कहां चले गए? इतना ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास, बिहार कहां पे चले गए? तो जाहिर तौर पर चलिए मैं एक बात मानता हूं कि अब उल्टे पांव की यात्रा से कोई फायदा नहीं, लेकिन सीधे पांव की यात्रा में हमें चलने तो दो, हमारी बात सुनो। तो मुझे आज भी स्मरण है, राधिका जी आज आई नहीं, जब उस वर्ष यह घटना हुई पूरा देश आंदोलित हुआ, सदन में कई दफा इसकी चर्चा हुई, लेकिन क्या रोहित के बाद इस तरह की चीजें नहीं हुई? रोहित के बाद भी हुई ना, वो इसलिए हुई कि हमने अभी तक इसको एक एक जो उपकरण के रूप में लेते हुए एक ताकत जो दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा। और मैं अभी पिछले दिनों भी हम लोग थे, कायन भाई हम लोग एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के मसले पे एक साथ थे। ये जिस सरकार या जिन सरकारों से आप लड़ते हैं, ये लड़ाई संसदीय तरीके से सिर्फ नहीं लड़ी जा सकती। सड़क पर अगर बवाल नहीं होगा, उफान नहीं होगा, आप सड़क पर नहीं होंगे तो संसद भी आपकी नहीं होगी, सरकार तो कभी आपकी नहीं होगी। फिर हम एक बार चुनाव के बाद बैठ करके सोचेंगे अच्छा अब अगली बार फिर देखते हैं, ऐसा होता नहीं। वो लड़ाई कंटिन्यूअस लड़ाई है,
मैं लोहिया जी को लाऊंगा ये कहने के लिए। वो बहुत कमजोर था विपक्ष 60 के दौर में, लेकिन विपक्ष जिंदा रहा क्योंकि सड़कें खामोश नहीं हुई। आज सड़कें खामोश हो रही हैं और खामोश सड़कें सत्ता को सूट करती हैं। अब रायन भाई ने बहुत सारी चीजें कही, चलिए कुछ कुछ चीजों को देखते हैं। आप सबने ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा, इनकम इनइक्वालिटी। आंकड़ों में मत देखिए, अपने आस पड़ोस देखिए। आंकड़े थोड़े दूर दिखते हैं कि 10% लोगों के पास देश की सारी संपत्ति है, ऐसे नहीं देखिए। देखिए कि उसके पीछे जिंदा लोग कौन है, किनके पास सब कुछ है और किनके पास कुछ भी नहीं है। अभी बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, जब सर्वेक्षण में सिर्फ नंबर आए तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। जो 88% वाली बातें कही है रायन भाई ने, हूबहू 100% सच, लेकिन वो 88% दिखते नहीं। बल्कि मैं एक उदाहरण दूं हंसते हुए, एक सज्जन ने मुझको, एक पत्रकार ने इंटरव्यू में कहा कि नहीं उनका कहना है, फलानी जाति का कहना करीब, वो तो इतने लोग हैं, इतना कम कैसे हो। तो जो विजिबिलिटी है ना, इसका व्याकरण बिल्कुल अलग है। आप अपने को और अपने जैसों को विश्वविद्यालय में देखते हैं, आप अपने को और अपने जैसों को न्यायालय में देखते हैं, आप अपने को और अपने जैसों को संसद में देखते हैं, आप अपने को अपने जैसों को बाजार चौक चौराहे पे देखते हैं। तो वो जो लिमिटेड विजिबिलिटी है वो आपको लगता ही अनलिमिटेड है, हम तो बहुत। असल में क्या है, जो नहीं दिखते हैं उनका आंकड़ा लोगों के पास नहीं था। और वो क्यों नहीं दिखते हैं, उसका एक सीधा सा व्याकरण है, उन्हें नहीं दिखाना है, वो गणना में नहीं आएंगे। तो मैंने उस बिहार के सर्वेक्षण का जिक्र किया कि अब उसके बाद वहां भी चर्निंग हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर मैं इतना हूं तो फिर वहां क्यों नहीं। ये सवाल हर कौम, हर जाति को, हर जगह, हर राज्य में, हर संस्थान में पूछना होगा। और ये पूछने का मतलब सिर्फ एक सवाल पूछ करके नहीं, इसके इर्द गिर्द एक लामबंदी, एक जुटता वो करनी होगी। इससे पहले कि मैं विमर्श से निकल जाए, उस दिन मैं बताना भूल गया, हमारे पार्लियामेंट में एक हमारे डीएमके के सहयोगी हैं अब्दुल्ला जी, कश्मीर पे चर्चा हो रही थी, उन्होंने पेरियार को उद्धृत किया और पेरियार का उस उद्धरण को मैं आपके समक्ष रखता हूं हिंदुस्तानी में, हिंदी में। उसने कहा, हर पेरियार को कोट करते हुए, अब वक्त आ गया है कि हर कौम, हर जाति अपनी नियति का निर्णय स्वयं करे, खुद मुख्तारी। अब उसको हमारे बीजेपी के साथियों ने कश्मीर के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन से जोड़ करके उनको रिडिक्यूल कर दिया। हाथ जोड़ के मैं कहता रहा, लिख लिख के भेजा लोगों को, ये पेरियार का कोट है, तो आपकी संसद को पेरियार स्वीकार है। और इसलिए मैंने कहा कि हालात अगर यूं ही रहे, मैंने उसी दिन कहा था कि कल को अगर मेरे बक्से में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगी तो आप मुझ पर भी यूएपीए लगा दोगे। वो आप कास्ट वाइज नहीं देखोगे, सोचे कि एनिहिलेशन प्लान कर रहा है, कतलेआम प्लान कर रहा है। तो मैं इसलिए, मतलब थोड़ा हास्य के रूप में भी ये इसलिए कह रहा हूं कि ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं है। अब मैं तीसरी चीज और यही खत्म भी करूंगा, उससे पहले कि तीसरी चीज पे आऊं, हमारे संविधान में एक शब्द पे बहुत चर्चा हुई थी संविधान सभा में, फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी से जुड़ा शब्द है डिग्निटी, उसी से डिराइव होता है, कई जजमेंट हैं उसके। फ्रेटर्निटी को सिवाय प्रियम्बुल में पढ़ने के हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको जमीन पे नहीं उतारा। फ्रेटर्निटी में सबसे बड़ी बाधा है जाति, बंधुत्व, या मैं उसको थोड़ा विस्तार दूं, बहनापा। वो तब तक संभव नहीं है जब तक आपके बीच में हायरार्की है, ऊंच नीच, सामान्य जाति निम्न जाति, ये विमर्श जब तक है
फ्रेटरिटी को लेकर के हमारा जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत कमजोर है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी एक को नहीं कहूंगा, फ्रेटरिटी को नीचे उतारने के लिए क्या करना होगा? जातिगत विषमता को एकेडमिक नजर से नहीं देखना है, सिर्फ एक तेवर के साथ, एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जब तक हम उसको नहीं देखेंगे, फ्रेटर्निटी की संकल्पना प्रियम्बल से निकल करके हमारी जमीन पर नहीं उतरेगी। और यह सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि इससे डिग्निटी निर्धारित होती है। हमारे समाज में डिग्निटी को लेकर के भी, मतलब आप देख लें, कई ऐसे पेशे हैं उसमें पहले से तय है कौन जाएगा, और उसमें हुई मौतों, उस पेशे से हुई मौतों पर सिवाय चंद मुआवजे के और अखबार का एक छोटा सा कॉलम, टेलीविजन का एक स्क्रोल नीचे, उसके अलावा कुछ हौसला नहीं। तो ये मैं फ्रेटर्निटी और डिग्निटी की बात कर रहा हूं, और राइन भाई ने लगभग सब कह दिया, मैं बस एक चीज कहूंगा, ये जो प्राइवेट शब्द है ना, ये प्राइवेट है ही नहीं। एक सवाल पूछा जाए, हाउ प्राइवेट इज द प्राइवेट? जमीन सरकार की, पैसा बैंकों का, जमीन सरकार की, नहीं वो कविता वाला नहीं है ये, सबको लगा होगा कि वैसा ही कुछ जा रहा है, जमीन सरकार की, पैसा बैंकों का, नीति निर्धारक सरकार के, ये प्राइवेट कहां से हुआ भाई? टैक्स हॉलिडे सरकार का, देखते जाइए, टैक्स हॉलिडे फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इसमें प्राइवेट कहां से? असल में श्रम और पूंजी की लड़ाई में ना, इतिहास गवाह है कि पूंजी जीत जाती है, श्रम हार जाता है, और वो भी श्रम अगर अनुसूचित जाति जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग का हो तो उसकी हार नियति की तरह सुनिश्चित कर दी जाती है। तो जब राजन भाई ने जैसा कहा, आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करके ये बहुत सरकार को झकझोरने वाला नहीं है, सरकार को बताना है कि तुम जिंदा नहीं हो, जिंदा होने का एहसास कराना, क्योंकि प्राइवेट नाम की 10,000 करोड़ का कर्ज हो गया इस प्राइवेट पे, वो व्यक्ति भाग गया, सरकार लोन माफ कर देती है, उसके लिए शब्द बड़ा बढ़िया है, आपको आप में से कईयों को पता होगा, इसको हेयर कट करते हैं, फिनेंस उनके टर्म में इसको हेयर कट कहते हैं। एक दिन मैंने अपने वित्त मंत्री साहिबा से कहा कि हेयर कट मत किया तो गंजा किए जाने लगे, ये हेयर कट नहीं है, टॉन्सरिंग है पूरा का पूरा। तो ये मिथक नहीं है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 बना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके बाद सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 4। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को आपने अलविदा कह दिया, खुदा हाफिज कह दिया, है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो पब्लिक के नाम पर, पब्लिक के मनी से जो चीजें खड़ी हो रही हैं उसमें हमारा हक चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूं कि इस कारवां को बाहर ले जाना होगा, क्योंकि मैंने अभी हाल में ही धर्मेंद्र प्रधान जी से संसद में पूछा कि ये जो प्राइवेट फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ रही है इसमें आरक्षण होगा कि नहीं, उन्होंने कहा कि वो तो अपने कायदे से चलेंगी और ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, और मुझसे मुझी से कह दिया कि आपको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है, मतलब आपने ये गुनाह किया ये सवाल पूछ करके। मैंने अकेले पूछा तो गुनाहगार था, अगर करोड़ों लोग ये सवाल पूछेंगे ये गुनाह नहीं रहेगा, नमो बुद्धाय की तरह गूंजेगा, ये करोड़ों लोग तो पैदा करने होंगे, और करोड़ों लोग सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम पे पैदा नहीं होंगे, ये बात जमीन पे ले जानी होगी। एक बात और जान लीजिए, मेरिट शब्द के अंदर जो विमर्श होता है ना, उससे बड़ा फ्रॉड विश्व इतिहास में कुछ नहीं। मेरिट इज अ मिथ, 100 दफे मैं ये बात कह चुका हूं। हमारे बीच में कई लोग होंगे जिनके घरों में किताबें बहुत हैं, उनके घर के बच्चे गिरते पड़ते भी किताब ही पकड़ेंगे,
किताब पकड़ेंगे तो दो सफा खोलेंगे भी। लेकिन हमारे बीच में ही ऐसे भी लोग हैं जिनके घर तीन जनरेशन से कोई किताब नहीं, कोई अखबार नहीं। ये अनइक्वल की लड़ाई है और ये इनइक्वालिटी हजारों साल के कल्चरल रिलीजियस मैंडेट पे है।